सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संग मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स 21 मई सन 2021 के टॉप करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो हिंदी में होते हैं। आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल के फिर से मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पिनाराई विजयन यहाँ पर केरल के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। पिनाराई विजयन केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल के मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार हैं। केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 140 है। केरल के राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल का है। केरल के प्रमुख हवाई अड्डे कैन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलम हवाई अड्डा। केरल के राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी सोला राष्ट्रीय उद्यान, मठिकेटन सोला राष्ट्रीय उद्यान, पंपादूम सोला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। केरल के लोक नृत्य हैं कालीअट्टम, मोहिनीअट्टम, कथकली, पादयानी, ओट्टम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुक्तार ओने किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? माली के प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। माली की राजधानी यमाको है। माली की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक है। माली के प्रधानमंत्री मुक्तार ओने हैं। टॉप 5 देशों के प्रधानमंत्रियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हन सेन हैं। कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बेन कुर्ती हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इराकली गरीब सविली हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉट जुपिटेस जस्टिस टेक्नोलॉजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान को कहां शुरू किया गया है? गुजरात राज्य में इसको शुरू किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार ने गुजरात के गांवों को कोरोना से बचाने के लिए मारू गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गांव के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना, कोरोना संक्रमण को रोकना और कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों के लिए उपचार की व्यवस्था की जाएगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो 1214 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक की है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंशधर नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवाई, तिप्पनी, पधर, गरबा हैं। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? 20 मई को ये मनाया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का जनक कहे जाने वाले एंटोन जानसा का जन्म 1734 में स्लोवेनिया में हुआ था और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। दुनिया के खाद्य उत्पादन का लगभग 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार के जैव विविधता के संरक्षण, प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण को कम करने में भी सहायक है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 की थीम बी इंगेग्ड बोल्ड
बैक बेटर फॉर बीज है। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को, थीम कार्यस्थल में शामिल करना, महामारी के बाद की दुनिया में चुनौतियों और अवसर। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, थीम है इसकी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स है। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को, थीम दृढ़ता भागीदारी प्रगति है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 5 अप्रैल को, थीम प्रेम और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, थीम है होम्योपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल को, थीम मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ है। मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है, थीम है स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कीप मदर एंड न्यूबॉर्न सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने मोमो मार्केट ऐप को लॉन्च किया है? मणिपुर राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट ऐप को लॉन्च किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को कोविड-19 प्रेरित कर्फ्यू के दौरान उनके घर पर ताज़ी सब्जियां मिलें। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 हैं। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर के लोक नृत्य राखाल है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सम्मी सिल्वा यहाँ के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो श्री जयवर्धनेपुरे कोटे है। श्रीलंका की करेंसी रुपया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करता है। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? श्रीलंका को। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने म्यूकोरमाइकोसिस नामक फंगल डिसीज को महामारी घोषित किया है? राजस्थान को यहाँ पर महामारी घोषित किया है, भी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान में मार म्यूकोरमाइसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है, और यह बीमारी मुख्य रूप से कोविड से ठीक होने वाले लोगों को प्रभावित करती है। यह बीमारी सबसे ज़्यादा आँखों को प्रभावित करती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। राजस्थान की लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं, विधानसभा सीट 200 हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? थार रेगिस्तान। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेढ़ ताली, सुई सुड़सनी, पनिहारी, घूमर हैं। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान के प्रमुख बांध बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर शंकर बालासुब्रमण्यम को और डेविड क्लेनमैन उपयोग दोनों को ही यहाँ पर शामिल किया गया है।
सी आपका आंसर हो जाएगा। मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए दिया जाता है। शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन को यह अवार्ड डीएनए पर गहन शोध, डीएनए की क्रमबद्धता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया गया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 2021 के न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स से सेरागोल सौथवे को सम्मानित किया गया है। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को सम्मानित किया गया है। अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का और दीपिका पादुकोण ने जीता है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल न्यायालय किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये विकसित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के चंडीगढ़ स्थित स्टार्टअप जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजीज ने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशन तंत्र के माध्यम से निजी न्याय प्रणाली के तहत विवादों को हल करने के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोर्ट विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में कहीं से भी किसी भी समय विवाद मामले दर्ज किए जा सकते हैं। यह भारत की प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। मुख्यालय चंडीगढ़ है। सीईओ और संस्थापक रमन अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मेट्रोलॉजी माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 20 मई को ये मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है, जो 1875 में मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ के उपलक्ष में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और इससे संबंधित क्षेत्र में उन्नति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 की थीम मीजरमेंट फॉर हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हयांग 2D लॉन्च किया है? CNSA ने ये लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा जीवक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 22 अप्रैल 1993 को हुई थी। मुख्यालय हेडियन जिला बीजिंग, प्रशासक झांग केजियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में राज्य विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल ने इसको मंजूरी दी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के गठन अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी परिस्थिति में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तथा न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। प्रत्येक 2 साल में 1/3 विधान परिषद के सदस्य रिटायर हो जाते हैं और इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? शंकर बाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनर रमन मैन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। मानव जीनोम को अनुक्रमित करने हेतु तेज और सस्ता तरीका विकसित करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। फिनलैंड द्वारा मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड की स्थापना 2004 में हुई थी। प्रथम विजेता टी बर्नर्स ली हैं। इनामी राशि 1 मिलियन यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 20 मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है? बी इंगेंग्ड बोल्ड बैक बेटर फॉर बीज के लिए इसको मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व माप विद्या दिवस भी हर साल 20 मई को मनाया जाता है। मेट्रोलॉजी दिवस 2021 का विषय मीजरमेंट फॉर हेल्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान और तेलंगाना ने हाल ही में निम्न में से किस बीमारी को महामारी घोषित किया है? ब्लैक फंगस या म्यूकोर माइकोसिस को यहाँ पर महामारी घोषित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा।
राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। हाई कोर्ट लोकेटेड जोधपुर है। जिला 33 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 25 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 200 है। राज्य के चिन्ह राज्य के पशु ऊँट है। राज्य के पक्षी गोंडावन है। राज्य के वृक्ष खिजड़ी का है। राज्य के फूल रोहिड़ा है। राज्य के खेल बास्केटबॉल है। लोक नृत्य झूमर घापाल पनिहारी जिंदाद नेजा कलबेलिया तथा गनगौर लोक नृत्य। राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अभ्यारण्य घाना पक्षी विहार तथा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जनजातीय मीना सहरिया सांसी भील बंजारा कोली तथा गरासिया। आधिकारिक भाषा राजस्थान की हिंदी है। परियोजना राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? राजस्थान के वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। डी आपका आंसर हो जाएगा। कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया 1989-90 तक बिहार के और 2009-14 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। मोईद यूसुफ किस देश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं? पाकिस्तान के नए सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने SB एनर्जी इंडिया का 3.5 अरब डॉलर लगभग 24,000 करोड़ रुपए अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय अहमदाबाद है। MD एंड CEO विनीत एस जैन हैं। 19 मई 2021 को किन दो देशों ने अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना को आधारशिला रखी है? चीन और रूस ने आधारशिला रखी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। रूस चीन में जिन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण कर रहा है उनके नाम तियानवान परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सुदापू परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। इस परियोजना का अनुबंध मूल्य $20 बिलियन है। चीन ने 2035 तक 200 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करने और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन हैं। संसद ड्यूमा है। मुद्रा रूबल है। चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। प्रीमियर ली केकियांग हैं। संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस मुद्रा रेनमिनबी युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना के उस विध्वंसक जहाज का नाम क्या है जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है? INS राजपूत है। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह भारतीय नौसेना का पहला पूत है जिसे थल सेना की किसी रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट से संबंध किया गया था। इस जहाज ने भारतीय शांति रक्षक बलों की सहायता के लिए श्रीलंका में ऑपरेशन अमन और मालदीप में बंधकों की समस्या के समाधान के लिए ऑपरेशन कैक्टस जैसे कई प्रमुख मिशनों में भाग लिया है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइटेंट सफल हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ करमबीर सिंह है। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जी अशोक कुमार हैं। डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ MS पवार हैं। हाल ही में ICMR ने घर में COVID-19 परीक्षण के लिए कोविशील्ड नामक किट को मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण किसने किया है? MyLab डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने इसका निर्माण किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 1949 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक बलराम भार्गव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समोआ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? फियामे नाओमी माताफा समोआ की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। समोआ की राजधानी एपिया मुद्रा TI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी पर्वत शिखर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। माली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोक्टर ओ ऊने को नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम कर चुके किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है, चमन लाल गुप्ता का निधन हो चुका है। सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन जीतकर भारतीय मूल के पहले मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर कौन बने? अर्जुन सिंह भुल्लर बने हैं। HIT कोविड ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? बिहार की राज्य सरकार ने। भारत का पहला कृषि निर्यात सौदा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? पुणे में शुरू किया गया है। किस देश ने हाल ही में अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग का निर्माण किया? ईरान ने किया है। 137 साल के इतिहास में पहली बार किस टीम ने FA का फुटबॉल टूर्नामेंट 2020-21 का खिताब जीता है? लेसेस्टर सिटी ने इस खिताब को जीता है। कोविड-19 से किसी व्यक्ति के मृत्यु होने पर दिल्ली की सरकार ने उसे परिवार वालों को कितने रुपए के मुआवजे देने की घोषणा की? 50,000 रुपये। हाल ही में सुर्खियों में रहा विशाल गैस का भंडार फरजाद बी गैस फील्ड किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 2009-10 से 2020-21 के बीच पूरे भारत में ट्रेन से कटने से कुल कितने हाथियों की मौत हुई है? 186 हाथियों की। चलते हैं फ्रेंड्स साइंस GK की तरफ। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? INSAT-2A है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन D का। हेलीपुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्षों के बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? परास्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन K। एम्पियर सेकंड मात्रक है, आवेश की मात्रा है। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। डार्क अवेंजर क्या है? एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी के माध्यम से शरीर का सारा रक्त शुद्ध होता है। चलते हैं फ्रेंड्स 21 मई के इतिहास की तरफ। हिस्ट्री इवेंट ऑफ 21 मई। 21 मई के इतिहास क्या हुआ था? 21 मई के इतिहास में 21 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अब हम आपको जानकारी देते हैं। देखते आज के इतिहास की यानी 21 मई के इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। आज के दिन फ्रांस के प्रिंस लुइस ने 1216 में इंग्लैंड में प्रवेश किया। न्यूजीलैंड 1840 में ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बना। US नेशन लॉन टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1881 में हुई थी। पहली हॉरर फिल्म शिकागो में 1908 को मनाया गया। शिकागो विश्वविद्यालय के छात्र रिचर्ड लॉब और नाथान लियोपोल्ड ने 1924 में एक 14 वर्षीय बॉबी फ्रेक्स की हत्या कर दी। USSR ने 1970 में न्यूक्लियर टेस्ट किया। पियरे मोरो 1981 में फ्रांस के प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। दक्षिणी यमन द्वारा 1994 में उत्तरी यमन से अलग होने की घोषणा की। आज के दिन प्रसिद्ध शीतल पेय कंपनी पेप्सी ने 1996 में विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन फिल्म बनाने की घोषणा की। 32 वर्षों तक लगातार इंडोनेशिया पर शासन करने वाले राष्ट्रपति सोहार्तो का 1998 में त्यागपत्र हो गया। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति HM इरशाद को 2002 में 6 महीने की कारावास की सजा दी गई। विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को 2003 में जेनेवा में मंजूरी दी। 21 मई 2006 में को श्रीनगर में कांग्रेस की रैली पर हमला हुआ। सन 2010 में दुबई से मैंगलोर आ रहे एयर इंडिया के विमान 9182 की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 166 में से 158 यात्री मारे गए। दार्जिलिंग में अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग को 2010 में हत्या कर दी गई। 21 मई को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आइए आगे जानते हैं इतिहास में आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। अमेरिकी न्यायाधीश जेम्स लोपेज वाटसन का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री मैलकम फ्रेजर का जन्म 1930 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध व्यंग रचनाकार शरद जोशी का जन्म 1931 में हुआ था। भारतीय अभिनेता मोहनलाल विश्वनाथ नायर का जन्म 1960 में आज ही के दिन हुआ था। मशहूर निर्देशक स्क्रिप्ट लेखक आदित्य चोपड़ा का जन्म 1971 में आज ही के दिन हुआ था। 21 मई को हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। गामा पहलवान का निधन 1960 में हुआ और शायद ही कोई ऐसा भारतीय खेल प्रेमी हो जिसने रुस्तम ए
जमा पहलवान का नाम ने सुना हो। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और भारत के नौवें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का निधन 1991 में 21 मई के दिन ही एक बम धमाके में उनका निधन हो गया था। 21 मई के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स, और साथ ही जानते हैं इतिहास के आज के दिन यानी 21 मई का दिन किस नाम से जाना जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोध बलिदान दिवस राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।